दोस्तों फाइनली इस साल का सबसे मच अवेटेड सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी रिक्रिएट वर्जन फिल्म सूर्यवंशी से रिलीज हो गया है। ये गाना रिकॉर्ड तोड़ साबित होगा, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अक्षय और कटरीना कैफ की जोड़ी 12 साल बाद पर्दे पर, वो भी गाना टिप टिप बरसा पानी, जो कि चार्ट बस्टर लिस्ट में कब से शुमार है। फिल्म मोहरा का ये गाना अब आपको सूर्यवंशी में देखने को मिल रहा है। इसके पहले गाने में कटरीना कैफ नहीं, अक्षय कुमार के साथ में यहाँ पे थिरकती हुई नजर आई थी हमें रवीना टंडन। अब इस गाने को देखने के बाद रवीना टंडन का रिएक्शन आ गया है टिप टिप बरसा पानी 2.0 वर्जन पर, और रवीना का जो रिएक्शन है वो खासा अच्छा नहीं है अक्षय कुमार के लिए और कटरीना कैफ के लिए। रवीना टंडन ने दोस्तों गाने के बारे पर पूछे जाने पर कहा कि मुझे नहीं पता कि आजकल सॉन्ग रिक्रिएट वर्जन पुराने गानों को ही वापस कॉपी क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है नया आइकॉन बनाना चाहिए, नए गाने को चार्ट बस्टर बनाना चाहिए, पुराने सुपर हिट सॉन्ग के साथ छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत है। और दोस्तों यहाँ पर रवीना टंडन का गुस्सा इस बात पे भी दिखाई दिया कि इस गाने के रिक्रिएट करने पर उनसे बिल्कुल भी रजामंदी नहीं बाकी गई, जबकि ये गाना अक्षय कुमार के कारण नहीं बल्कि रवीना के कारण सुपर हिट हुआ था, और इस बात का उन्हें क्रेडिट भी आज तक नहीं मिला। रवीना का यह गुस्सा भले ही जायज़ हो, लेकिन सूर्यवंशी का ये गाना कटरीना कैफ ने काफ़ी हॉट अंदाज में पेश किया है और अपने डांस से सभी को लुभाया है। अब आप ही हमें कमेंट करके बताइए कि रवीना का रिएक्शन सही है या गलत, और आपको कौन सा सॉन्ग ज़्यादा पसंद आया, पुराना टिप टिप बरसा या फिर नया टिप टिप बरसा 2.0। कमेंट सेक्शन आपका है जवाब दे। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आपको आने वाली खबर यहाँ मिल जाए सबसे पहले।